ये थाना कटघर में जैतिया सदल जैतिया सादुल्लापुर गांव है, जहां पर 1 मई को दिन में घटना हुई थी। एक प्रथमा बैंक का एक जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वहां के ब्रजमोहन नाम के व्यक्ति हैं जिसको चलाते हैं, वो सुबह अपनी ग्राहक सेवा केंद्र पर आए थे। उसी समय उनके घर से किसी बात के लिए उनके पास एक फ़ोन आया, तो वो अपने छोटे बच्चे को जिसकी करीब 10 साल की उम्र है उसको वहाँ पर बिठा के अपने घर चले गए। वो जब वो घर गए उसी दौरान 2 अपाचे सवार जो वाइट अपाचे पर थे वो दुकान पर आए। उन्होंने कहा कि उनके पिता के उस बच्चे के पिता के वो परिचित हैं और उन 200 रुपये उन्होंने उनके पिता से लिए थे, वापस करने आए हैं, और उसको उन्होंने 500 रुपये का नोट दिया। तो बच्चे ने कहा कि हमारे पास खुले पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसको बगल की दुकान से खुले करा लाओ। तो वो वहाँ से वो खुले करा के ले आया। तो उन्होंने उसके बाद उससे कहा कि इसमें से 50 रुपये ले जाओ, एक कोल्ड ड्रिंक भी ले जाओ। उनका उद्देश्य था कि वहाँ पर जो उनकी ग्राहक सेवा केंद्र में जो पैसा रखा है वो धोखे से वहाँ से वो लोग उसको ले जाएँ। तो पहली बार में क्योंकि वो पूरा काम नहीं कर पाए तो उन्होंने पुनः उसको कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा। बच्चा कोल्ड ड्रिंक में चला गया, उसी दौरान उन्होंने उसके गले को तोड़ लिया और उसमें से वो पैसा निकाल के जब बच्चा वापस आया तो वहाँ से वो निकल गया। इसमें जब बच्चे से बात की गई और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको देखा गया, तो ये 2 लड़के जो भागते हुए वहाँ से दिखाई पड़ रहे थे, उनकी पहचान उसी गांव के 2 व्यक्तियों के रूप में हुई है, जिसमें से आकाश उर्फ नन्ना है ये और दूसरा टिंकू पुत्र कुंवर पाल। ये दोनों ग्राम जैतिया सादुल्लापुर के हैं और थोड़ा नशा करने के भी आदि हैं ये लोग। इनको पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने ये प्लान किया कि इसी दुकान पर, क्योंकि वहाँ ग्राहक सेवा केंद्र है और दुकान पर अमूमन लोग लेन देन के लिए आते हैं, वहाँ पैसे रहते हैं, तो ऐसे समय कि जब वो पिता वहाँ से निकला था ये दुकान पर पहुँचे और इन्होंने वहाँ से वो पैसे उसको बच्चे को बेवकूफ़ बना के ये घटना की थी। और इसका पुलिस ने सफल अनावरण किया है और जो 70,000 रुपये उनके गले से ले जाना बताया गया था उसमें से ये 36,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। शेष पैसे इन लोगों ने कहीं इस दौरान खर्च कर दिए हैं। बाकी हम लोग अभी इसकी और भी विस्तार से जानकारी सर, दोनों पकड़े गए आरोपियों को अपराधी के इतिहास अभी इनका पूर्व का कोई अपराधी का इतिहास नहीं मिला है, यद्यपि इनकी सामान्य छवि काफ़ी ख़राब है और ये नशा करने के आदि हैं, कई तरह के नशा करते हैं ये लोग, तो इनकी कई इनके खर्चे होते हैं जिसको लेके इनको जरूरत थी और इन्होंने ये घटना कर दी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।